Paradox. Originally, paradox was conceded merely a view, but round about the 16th century, it acquired a definite meaning. असल में पैराडॉक्स को सिर्फ एक व्यू के तौर पर ख्याल किया जाता था, मगर 16वीं सदी के करीब इसको डेफिनेट मीनिंग दिया गया, अकॉर्डिंग टू हरिशव. हरिशव के मुताबिक, अ स्टेटमेंट विच इज सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी और ऑब्जर्व्ड बट रियली कंटेनिंग अ पॉसिबल ट्रुथ इज कॉल्ड पैराडॉक्स. एक स्टेटमेंट जो कि अपने आप में बिल्कुल बरअक्स या बेतुकी हो, मगर हकीकत में ये एक मुमकिन सच रखती हो, इसे पैराडॉक्स कहते हैं. डेविड क्रिस्टल डिफाइन इट एज अ स्टेटमेंट विच इज ऑब्जर्व ऑन द सरफेस बट हैज द फोर्स फॉर डीपर रिसर्च ऑफ द मीनिंग. एक स्टेटमेंट जो बज़ाहिर बेतुकी हो, मगर अपने आप में वो बहुत गहरा मानी रखती हो. ही पुट्स फॉरवर्ड एन एग्जाम्पल इन दिस रिस्पेक्ट. वार इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ. जॉर्ज ऑरवेल. शेक्सपियर हैज़ मेड अफेक्टिव यूज़ ऑफ पैराडॉक्स. शेक्सपियर ने भी पैराडॉक्स का मुनफरद इस्तेमाल किया. कवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर द डेथ. इट इज़ फ्रीक्वेंट सीन इन पोइट्री. ये पोइट्री में बहुत ज़्यादा देखी जा सकती है. कीट्स इन हिज ओड ऑन ग्रीशियन अर्न सेज. कीट्स अपनी ओड ग्रीशियन अर्न में कहता है, हेयर्ड मॉलडीज आर स्वीट बट दोज अनहेयर्ड आर स्वीटर. उमंग राइटर्स ऑफ द रिसेंट एरिया. अगर हम रिसेंट एरिया यानी मौजूदा एरिया के राइटर्स की बात करें, जॉर्ज बर्नार्ड शव हैज़ यूज्ड पैराडॉक्स इन वेरी प्रोफाउंड मैनर. जॉर्ज बर्नार्ड शव ने पैराडॉक्स को बड़े गहरे अंदाज में इस्तेमाल किया है. वन फेमस एग्जाम्पल इज द मैन हु लिसन टू रीजन इज लॉस्ट.